दोस्तों, रसोई घर का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जिस घर में रसोई साफ सुथरी होती है, उस घर में देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर रसोई घर में जाने अनजाने में गलतियां की जाएं, तो ऐसे में माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और गुस्सा होकर हमारे घर से चली जाती हैं। और जिस घर में माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। दोस्तों, पहले के समय में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे और ऐसे भोजन करने से शरीर और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और इस वजह से लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि लोगों में कमजोरी का आना एक आम बात हो गई है और हमारे ग्रंथों में भोजन करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं और इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और यह सब नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं और उठकर जब आप अपने रसोई घर का दरवाजा खोलते हैं, तो हमें रसोई घर में चाकू और छुरी को कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह चाकू और छुरी को देखने पर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चाकू और छुरी को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। और जब भी हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं, तो हमें सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर में हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति के रसोई घर में यह कुछ गलतियां बार बार होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि घर में गरीबी और दरिद्रता आने वाली है। जैसे कि दूध का उबलकर बार बार गिरना, खाने में नमक का तेज हो जाना, गरम तेल आपके ऊपर गिरना और आग से हाथ जलना। अगर रसोई घर में इस तरह की घटनाएं घटने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि घर में राहु केतु का प्रभाव है। माना जाता है कि जब राहु केतु का प्रभाव घर पर पड़ जाए, तो व्यक्ति का बुरा समय चलने लगता है। इसलिए यह सब गलतियां अगर आपके रसोई घर में लगातार होती रहती हैं, तो हमें इसके उपाय के लिए अपने घर में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर बनाएं। ऐसा करने से राहु केतु शांत हो जाएंगे और माँ अन्नपूर्णा का घर में वास होता है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा उस घर में कभी भी वास नहीं करती जिस घर में खाने को खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि खुला हुआ खाना दूषित होता है। इसलिए हमें खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि खाना खुला रखने से राहु केतु का प्रभाव पड़ता है और भूत प्रेत भी खींचे चले आते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्र होता चला जाता है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में चूल्हा पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है और चूल्हा दक्षिण दिशा में होने से आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप रसोई घर में खाना बना रहे हैं, तो हमें अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखकर भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाने से घर में सुख और शांति और साथ ही स्वास्थ्य लाभ होता है। घर की औरतों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, हमें भोजन करने से पहले अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है और गीले पैरों के साथ भोजन करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व जल है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से जल और पृथ्वी का मिलन होता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, हमें भोजन करने के बाद थाली में हाथ बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोने पर माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और हमारे घर से बरकत चली जाती है। इसलिए हमें भोजन करने के बाद भूल से भी थाली में हाथ बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए और भोजन की थाली में जूठन को छोड़ना अन्न का अपमान माना जाता है और ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है और हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। और हमें रसोई घर में जूते और चप्पल पहनकर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके रसोई घर में सिंक का नल खराब हो और उस नल से लगातार पानी टपकता रहे, तो इसका हमारे जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे घर में धन का खर्च बढ़ता है। इसलिए रसोई घर में ऐसे नल को तुरंत ही करा लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।